छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएं, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुंचाएं। परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने NTPC और ग्रुप डी श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इस पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। गौरतलब है कि RRB NTPC परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन तब बढ़ गया जब रेलवे ने सोमवार को ग्रुप डी भर्ती में CBT 2 चरणों में लेने की घोषणा की। प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे ने एक समिति बनाई है जो परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की आपत्तियों की जांच करेगी। प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की शिकायतों और चिंताएं सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को रेलवे ने एक नोटिस जारी कर परीक्षार्थियों को चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की रेलवे में भर्ती पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। ये चेतावनी बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों के रेलवे पटरी पर धरने पर बैठने के मद्देनजर आई थी। इससे पहले बिहार और UP में दोनों भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया था, स्टेशनों पर हंगामा और तोड़फोड़ की, सड़कें जाम कर दी, ट्रेनों में आग लगा दी गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने NTPC रिजल्ट और ग्रुप डी भर्ती में CBT 2 लेने के फैसले के खिलाफ आंदोलन किया था। रेल मंत्री और PM मोदी को टैग करके कई ट्वीट्स किए थे। गुस्साए अभ्यर्थियों ने 26 जनवरी 2022 को एक विशाल आंदोलन करने का ऐलान किया था। अभ्यर्थियों ने इस आंदोलन के माध्यम से NTPC रिजल्ट में संशोधन, RRB ग्रुप डी की परीक्षा में CBT 2 हटाने की मांग और रेल भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने सहित अन्य मुद्दों पर रेल चक्का जाम करने का फैसला किया था। RRB NTPC परीक्षा के रिजल्ट निकालने के तरीके को लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। इनकी मांग है कि 7 लाख रोल नंबर की बजाय 7 लाख अभ्यर्थियों को पास किया जाए, यानी 20 गुना यूनिक रोल नंबर के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जमकर बवाल किया था। अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर करीब 8 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया था। हालांकि युवाओं के एतराज पर रेलवे सफाई दे चुकी है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है कि कानूनी तौर पर एक अभ्यर्थी को एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएं, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाएं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वे स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। उनकी समस्या के निराकरण करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कमेटी का गठन कर दिया है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।